नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मथुरा का कृष्ण मंदिर भी मुद्दा बनता जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही कह चुके हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, और अब इसी बीच मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी यहां मंदिर बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा है हेमा मालिनी ने, सुनाते हैं आपको। कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। यूपी चुनाव से ठीक पहले मथुरा को लेकर नई महाभारत छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर उतरने की तैयारी कर चुकी है, जिसके संकेत सबसे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा था कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर और अब मथुरा की तैयारी है, तो जाहिर है अब मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी की पूरी नजर है। और अब मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में भी भव्य मंदिर के निर्माण की बात कही है। हेमा मालिनी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। काशी विश्वनाथ में भी जो काम असंभव थे उसे पीएम मोदी ने पूरे किए हैं। गंगा नदी से लेकर मंदिर तक कॉरिडोर बनाना किसी आश्चर्य से कम नहीं। जो आज तक नहीं हो सका वो काशी विश्वनाथ के लिए हुआ है, और अब मथुरा में भी भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो क्या कुछ कहा है हेमा मालिनी ने, सुनिए। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। अभी मैं कल काशी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, बुलाया गया है हमें। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है काफ़ी काम हुआ है, और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं, और जैसा काशी में मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर के सामने इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है, काफ़ी जो जगह को जो डेवलप उन्होंने किया है, जहाँ से आप मंदिर से सीधा गंगा तक देख सकते हैं, ऐसा एक परिवर्तन लाया जो बहुत मुश्किल था। पिछले कई सालों से किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा करना चाहिए, जो उनका एक बहुत अच्छा एक दिव्य दृष्टि है, दूर दृष्टि है, और वो उसके हिसाब से उन्होंने किया है, तो मथुरा में भी ऐसा जरूर होगा। तो अब हेमा मालिनी ने भी मथुरा में मंदिर बनाने की बात कही है। हेमा मालिनी ने ये बयान इंदौर में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान कही, और साफ तौर से इच्छा जाहिर कर बताया कि जिस तरह से काशी में भव्य मंदिर का निर्माण पीएम मोदी ने किया, ठीक वैसे ही जो मंदिर पहले से है मथुरा में उसे नया रूप दिया जा सकता है। तो बीजेपी के हर बड़े नेता मथुरा में मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में मथुरा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा मथुरा में भव्य मंदिर का सपना कब पूरा होता है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत कर साफ कह दिया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के कार्य किए हैं, इसीलिए यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूंगी कि हमारे भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में मथुरा का मुद्दा काफी अहम है, और अब बीजेपी का पूरा फोकस मथुरा है। ऐसे में खबर ये भी है कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में यूपी चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।